जिस पति की लंबी उम्र के लिए वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी, उसने उसी की बेरहमी से हत्या करवा दी। जो पति उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखता था, उसके प्यार को उसने एक जिम ट्रेनर के लिए शर्मसार कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की, जहाँ पुलिस ने 2.5 साल पहले हुए विनोद बड़ाड़ा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। विनोद का मर्डर किसी विवाद में नहीं, बल्कि साजिश के तहत सुपारी देकर विनोद की पत्नी निधि ने अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित संग मिलकर वारदात को अंजाम दिलवाया था। खास बात यह है कि शादीशुदा औरत के प्यार में अंधे प्रेमी सुमित ने भाड़े के हत्यारे देव सुनार को एक लोडिंग गाड़ी खरीद कर दिलवाई, ताकि विनोद को एक्सीडेंट में मारा जा सके। लेकिन प्लान ए सफल नहीं हुआ और सुपारी किलर एक्सीडेंट केस में जेल चला गया। इस दौरान आरोपी के बच्चों की फीस से लेकर घर का खर्च तक सुमित ने उठाया और फिर प्लान बी के तहत आरोपी को जमानत दिलवाई। लेकिन इस बार पिस्टल की गोली मारकर भाड़े के हत्यारे देव सुनार विनोद को मौत के घाट उतार डाला। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो विनोद के कत्ल की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी निधि बराड़ा ही निकली। निधि ने अपने प्रेमी जिम ट्रेनर के साथ मिलकर विनोद की हत्या की साजिश रची थी। वहीं यह मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बना हुआ है। नेशन वन के लिए भावना जोशी की रिपोर्ट।